हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। मैं आपके लिए फिजिक्स का 50 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। और ये जो 50 क्वेश्चन का सीरीज है, ये झारखंड पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें और सारे क्वेश्चन को ज़रूर अच्छे से करके जाएं। यहाँ मैंने 50 जो क्वेश्चन लिया है, वो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में, 2020 के पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में ज़रूर ही यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर ही फंसेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला देखिए, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है। एक नॉटिकल मील का मान कितना होता है। तो एक नॉटिकल मील का मान 1852 मीटर के इक्वल होता है। एक नॉटिकल मील का मान कितना होता है, 1852 मीटर के बराबर होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दो चुंबकीय बल रेखाएँ कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। देखिए ऑप्शन में आपका जो क्वेश्चन आपका रहता है वो ये लिखा रहता है कि दो चुंबकीय बल रेखाएँ, कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएँ, जैसे इस प्रकार से कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएँ हैं, आपस में कहीं भी ये दोनों नहीं कटते हैं। क्यों नहीं कटते हैं आपस में, क्योंकि अगर ये कट जाएंगे तो जहाँ पे कटेंगे उस जगह से हम लोग एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर लेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो दो चुंबकीय बल रेखाएं आपस में एक दूसरे से कभी नहीं प्रतिच्छेद करती हैं, यानी एक दूसरे से कभी भी नहीं कटती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे। मेरा अगला क्वेश्चन है, विद्युत घंटी में कौन से सेल का प्रयोग किया जाता है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटेक्निक एग्जाम ऑफ 2022। विद्युत घंटी में कौन से सेल का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत घंटी में जिस सेल का यूज किया जाता है उस सेल का क्या नाम है, शुष्क सेल, उसको हम लोग ड्राई सेल भी कहते हैं। और ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2020 के लिए। और देखिए यहाँ पे फिजिक्स का मैंने 50 क्वेश्चन लिया है, 50 क्वेश्चन आपको पूरा देख लेना चाहिए। ये 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए 4 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेरा यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। ये भी कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है और आगे भी आ सकता है ये क्वेश्चन। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने जो 50 क्वेश्चन लिया है फिजिक्स का, ये SSC, रेलवे और प्लस पॉलिटेक्निक में, तो ये बहुत ही पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो चलिए जानते हैं कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। तो विद्युत का जो सर्वोत्तम अच्छा चालक है वो क्या है, चांदी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चांदी। तो यहाँ पे क्या दोस्तों हो जाएगा, चांदी यानी कि सिल्वर। सिल्वर यहाँ पे क्या है, इसका राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है। तो देखिए आदर्श वोल्ट मीटर को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं आइडियल, इसको कहते हैं आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर हम लोग कहते हैं। तो इसका प्रतिरोध कितना होता है, इसका प्रतिरोध अनंत होता है। देखिए मैं आगे के टाइम में भी, फ्यूचर टाइम में, मैं आपको और भी इस तरह के सीरीज लेकर आपके लिए आऊँगा, जब तक कि आपका पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम ना हो जाए। तो देखिए जब तक कि आपका पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम होगा तब तक मैं आपको कुल मिला के 4-5 हज़ार क्वेश्चन करा दूंगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए आपका जो फिजिक्स का जो सेक्शन है वो आप मेरे चैनल से बहुत ही स्ट्रांग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों यहाँ पे था कि प्रतिबल, यहाँ पे देखिए कुछ टाइपिंग मिस्टेक के कारण ऐसा हो गया है, यहाँ पे लिखा हुआ था प्रतिबल, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, प्रतिबल, प्रतिबल, प्रतिबल का मात्रक यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है प्रतिबल का, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। थोड़ा सा आप यहाँ पे क्वेश्चन को इग्नोर कर दें और मैंने जो क्वेश्चन आपको बोला उस क्वेश्चन को आप ज़रूर नोट कर लें। तो प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह है, एम द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा ई है तो उसका संवेग क्या होगा। एम द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा ई है तो उसका संवेग क्या होगा। तो चलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से बता दे रहा हूँ। एम द्रव्यमान का कोई पिंड है,
उसकी गतिज ऊर्जा अगर ई है तो उसका संवेग क्या होगा? तो देखिए हम लोग ये जानते हैं कि गतिज ऊर्जा चूंकि यहाँ पे ई दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे ई लेंगे, और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। आप इसको अच्छे से जानते होंगे, ये फॉर्मूला बचपन से ही जानते होंगे। अब देखिए इस फॉर्मूला में मैं क्या करूँगा, ऊपर में एम से मल्टीप्लाई और ये नीचे में जो टू है इसमें भी मैं एम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऊपर में आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1 एम और 1 एम, यहाँ पे 2 एम हो चुका है तो एम का स्क्वायर हो जाएगा और वी का स्क्वायर ऑलरेडी है। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि ऊपर में मेरा क्या है, एम और वी का स्क्वायर है, एम और वी का स्क्वायर है, और नीचे क्या है, आपने देखा कि नीचे 2 एम है, नीचे क्या है, 2 एम है। और जानते हैं कि संवेग बराबर यानी पी इक्वल टू क्या होता है, एम भी होता है। संवेग हम लोग पी से डिनोट करते हैं तो संवेग इक्वल टू क्या होता है, संवेग इक्वल टू एम भी होता है। तो देखिए यहाँ पे जो एम भी लिखा हुआ है इस जगह में हम क्या पुट करेंगे, इस जगह में पी पुट करेंगे। तो चलिए उस जगह में पी अगर पुट कर देते हैं तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे अगर पी पुट कर देंगे तो हमारा जो गतिज ऊर्जा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2 एम के बराबर हो जाएगा। मैंने आपको बोला था पहले भी कि यहाँ पे मेरा एम है, सॉरी यहाँ पे स्मॉल एम है। तो देखिए यहाँ से जो हमारा यहाँ पे संवेग जो पूछा गया है तो संवेग बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए पी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई, देखिए ऐसे ऐसे यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ मैं आपको थोड़ा अच्छा से यहाँ पे बता रहा हूँ, रुकिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि ई, आपने अभी अभी देखा कि ई इक्वल टू आया मेरा क्या, पी स्क्वायर बाई आया 2 एम, पी स्क्वायर बाई 2 एम आया। तो यहाँ से पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से पी स्क्वायर हो जाएगा 2 एम ई हो जाएगा, 2 एम ई हो जाएगा। तो 2 एम ई, ये पी स्क्वायर हुआ। तो अगर इधर से स्क्वायर हटेगा, अगर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो देखिए एम द्रव्यमान का कोई एक पिंड है जिसका गतिज ऊर्जा अगर ई है तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 एम ई। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 एम ई। दोस्तों यहाँ पे आप जरूर ये ध्यान देंगे कि यहाँ जो है सिर्फ ये जो रूट लगा हुआ 2 में नहीं है, ये रूट पूरा इसमें लगा हुआ है यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 एम ई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एम ई। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला भी क्वेश्चन जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अगला जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है वो है वायुमंडल या दाब का मात्रक क्या होता है, वायुमंडल या दाब का मात्रक क्या होता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, दाब को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, दाब को हम लोग कहते हैं प्रेशर, दाब को हम लोग क्या कहते हैं, दाब को हम लोग कहते हैं प्रेशर। तो देखिए दाब को कहते हैं प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला में, ये होता है बल बटा होता है क्षेत्रफल, यानी जो बल होता है यानी फोर्स बाय क्या होता है, एरिया होता है। ये होता है दाब का हमारा एक रिलेशन। तो देखिए यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है, फोर्स का क्या होता है यूनिट, न्यूटन होता है। फोर्स का क्या होता है यूनिट, ऐसा यूनिट न्यूटन। और यहाँ पे जो ए है, ए मेरा क्या है, यहाँ पे एरिया है, एरिया। तो एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर स्क्वायर बोलते हैं, मीटर स्क्वायर। तो इसी को अगर हम लोग देखिए, न्यूटन ऊपर में है और यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर जब इस बटे के ऊपर ऊपर में जाएगा तो क्या इसको हम लोग पढ़ेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। तो आप यहाँ से भी बोल सकते हैं कि ये न्यूटन, देखिए इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से क्या सीखें कि वायुमंडल या दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो क्लास अभी अभी क्लास 9 9 10 जो 10 में अभी पढ़े होंगे उनको विद्युत क्षेत्र के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन जो 11 12th में जो पढ़ते होंगे ऐसे स्टूडेंट के लिए ये कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि विद्युत क्षेत्र, देखिए विद्युत क्षेत्र ई इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू नॉट होता है, एफ बाई क्यू नॉट। तो देखिए एफ बाय अगर क्यू नॉट होता है तो एफ क्या मेरा है, एफ यहाँ पे मेरा फोर्स है, बल है। तो बल को हम लोग देखिए, और ई यहाँ पे क्या है, ई है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। एफ क्या है हमारा, यहाँ पे बल है। तो एफ अगर बल है तो बल का यूनिट क्या होता है, आप जानते हैं इसका न्यूटन होता है। और क्यू नॉट, क्यू नॉट क्या है, ये आवेश है, आवेश का क्या होता है, कूलम होता है। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन इस बटा को जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको हम लोग ऐसे बटा करके कूलम लिखते हैं।
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है? न्यूटन पर कूलम होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का ये आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, किसी वस्तु की अधिकतम अधिकतम चाल। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो आप इसको इग्नोर कर दें। यहाँ पे लिखा हुआ चाल, इसको मैं काट के सुधार कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है चाल। तो क्वेश्चन मेरा है किसी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है। तो किसी वस्तु की अधिकतम चाल किसके किसके बराबर हो सकती है? तो देखिए आप जानते होंगे प्रकाश की चाल, तो किसी वस्तु की अधिकतम चाल प्रकाश के चाल के बराबर हो सकता है, यानी 3 × 10⁸। आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के इक्वल। आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, 3 × मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है किसी वस्तु की अधिकतम चाल। तो ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, आपको कंफ्यूज करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़ा हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? तो देखिए दोलन का आवर्तकाल के लिए मैंने आपको एक एक फॉर्मूला बताया था, मैं उसको मेरे बाकी के वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि जो आवर्तकाल होता है उसके लिए हम लोग लिखते हैं 2π² √L/g, ये होता है। तो देखिए यहाँ पे एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की एक कोई लड़की है ठीक है, वो लड़की क्या कर रही है? देखिए यहाँ पे एक एक झूला है ठीक है, इस झूले में झूल रही है, मान लेते हैं कोई एक लड़की, एक कोई लड़की यहाँ पे है, वो इस झूले में झूल रही है। वो अचानक से क्या कर जाती है, वो खड़ा हो जाती है, उस लड़की के खड़ा हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? देखिए आवर्तकाल को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, तो दोलनों का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो दोलनों का आवर्तकाल हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा। तो चलिए ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है कि दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, प्लांक नियतांक किसका मात्रक होता है? तो देखिए प्लांक नियतांक जो है, आप क्लास 10 तक इसको नहीं पढ़े होंगे, लेकिन प्लांक नियतांक का जो मात्रक होता है, प्लांक नियतांक किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का मात्रक है। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 बताया, अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं हम लोग। तो देखिए 13 भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 के लिए, पारसेक, पारसेक किसका मात्रक है? तो देखिए ये बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक खगोलीय दूरियों का मात्रक है। पारसेक किसका है? खगोलीय दूरियों का मात्रक है, यानी ग्रहों, मान लेते हैं यहाँ पे कोई ग्रह है, यहाँ कोई ग्रह है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग पारसेक से मापते हैं, यानी पारसेक क्या है, हमारा लंबाई मापने का एक इकाई है, यानी खगोलीय दूरी को मापने का इकाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 14 क्या है, पृथ्वी तल के निकट परिक्रमा करने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग लगभग कितना होता है? तो देखिए यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी तल के निकट, देखिए ये हमारा प्यारा सा, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मेरा ये जो है हमारा प्यारा सा पृथ्वी है जिस पे हम लोग निवास करते हैं। तो पृथ्वी तल के निकट परिक्रमा करने वाले उपग्रह का, देखिए ये जो पृथ्वी का जो जो ये हमारा पृथ्वी है, यहाँ पे कोई उपग्रह इस तरह से चक्कर काट रहा है, तो इस तरह से जो चक्कर काट रहा है, तो कक्षीय वेग लगभग कितना होता है? तो इसका जो कक्षीय वेग होता है वो होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में देखिए 8 किलोमीटर का सफ़र करता है कोई उपग्रह, हमारा पृथ्वी ये है। और देखिए कोई अगर उपग्रह इस पृथ्वी का चक्कर लगाता है इस तरीके से अगर चक्कर लगाता है, तो उसका जो कक्षीय वेग होता है वो कितना होता है? 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर के बराबर होता है। तो देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, भू स्थायी उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? यानी भू स्थायी उपग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सेटेलाइट बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, शायद आप इसको जानते होंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, जियो स्टेशनरी STATIONARY, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट बोलते हैं इसको हम लोग, सेटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे का होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। पृथ्वी के उपग्रह में घूमते हुए अंतरिक्ष यात्री को समय ज्ञात करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करनी चाहिए? देखिए पृथ्वी के उपग्रह में घूमते हुए
पृथ्वी के उपग्रह में घूमते हुए अंतरिक्ष यात्री को समय ज्ञात करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए? तो उनको मुख्य स्प्रिंग वाली घड़ी का यूज करना चाहिए। किस चीज़ का यूज करना चाहिए? मुख्य स्प्रिंग वाली घड़ी का यूज करना चाहिए, तभी वो सही से घड़ी के टाइम को देख पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो 17 मेरा क्या है, देखिए, सबसे अधिक किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? देखिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, अगले बार से मैं पूरा ध्यान दूंगा टाइपिंग पर। तो देखिए, सबसे अधिक जो है किस रंग का अपवर्तनांक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग का। सबसे अधिक किस रंग का अपवर्तनांक होता है, तो बैंगनी रंग का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 अब चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 मेरा यहाँ पे है, विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में बदली जाती है? तो देखिए, जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देती है? तो विद्युत ऊर्जा को वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 19 को देखते हैं। तो 19 मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए, ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है वो किस धातु की बनाई जाती है? तो देखिए, ये नरम लोहे की बनाई जाती है। ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की बनाई जाती है? तो ट्रांसफार्मर की क्रोड नरम लोहे की बनाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नरम लोहा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 60 वाट का पंखा 3 यूनिट बिजली में कितना देर चलेगा? देखिए, कोई 60 वाट का पंखा है, वो 3 यूनिट बिजली में कितना देर चलेगा? तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यूनिट इक्वल टू, देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पॉलिटेक्निक का फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए, एक यूनिट यानी यूनिट बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, किलो वाट घंटा। एक यूनिट बराबर क्या होता है, किलो वाट घंटा होता है, किलो वाट घंटा। तो देखिए, यहाँ पे 3 यूनिट लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग किलो वाट जो घंटा लिखा है, इस किलो को हटाएंगे, तो इस देखिए, इस किलो को अगर हटाएंगे हम लोग, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, इस किलो को हटाएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा क्या, हमारा 1000, 1, 2, 3, 1000 आ जाएगा। तो देखिए, एक यूनिट बराबर हमारा क्या होता है, एक यूनिट बराबर होता है, देखिए, W h/1000 होता है। तो देखिए, 3 यूनिट का हम लोगों से यहाँ पे पूछा है कि 3 यूनिट बिजली जो है कितना देर तक चलेगा। तो मैं यहाँ पे देखिए, एक यूनिट की जगह यहाँ पे 3 यूनिट लूँगा, और इसके बाद देखिए, वाट, ये W क्या है मेरा, वाट है, कितना वाट लिखा है, तो 60 वाट लिखा है यहाँ पे, 60 वाट। इसके बाद यहाँ पे देखिए, एच है, एच मीन्स कितना घंटा टिकेगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना, तो हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 60h = हो जाएगा 3000। 60h = कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, 60h = हो जाएगा 3000, 1, 2, 3। तो h = क्या हो जाएगा, देखिए, h = कितना हो जाएगा, 3000, 1, 2, 3 / 60। तो यहाँ से हम लोग इसको काट सकते हैं ऐसे ऐसे करके, और इसके बाद ये कितना बार में कटेगा, देखिए, यहाँ पे 6 * 6 और 6 * 5 = 30 और 1 = 0, यानी कितना आया मेरा यहाँ पे, 50 घंटा आ चुका है। तो 60 वाट का पंखा 3 यूनिट बिजली में कितना देर चलेगा, तो वो 50 घंटे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो 21 नंबर क्या है, गुलाब के फूल को हरे प्रकाश में देखने पर वो कैसा दिखाई देगा? गुलाब का फूल गुलाब कलर का होगा, तो देखिए, गुलाब का जो फूल होता है उसको अगर हम लोग हरा प्रकाश में देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, वो काला कलर का दिखाई देगा। ये भी पॉलिटेक्निक का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल इससे एक क्वेश्चन आता है इस तरह का। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, दाढ़ी बनाने के लिए सबसे उत्तम दर्पण कौन सा है? जो दाढ़ी हम लोग बनाते हैं उसकी दाढ़ी बनाने के लिए सबसे उत्तम दर्पण कौन सा है? सबसे जो अच्छा दर्पण होता है दाढ़ी बनाने के लिए वो होता है अवतल दर्पण। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखिए, यदि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी है? तो देखिए, लेंस का क्षमता इक्वल टू क्या होता है, P = होता है 1/f होता है, अगर ये मीटर में है तब। और देखिए, यहाँ पे चूंकि हमारा लेंस का क्षमता दिया है -2 डायोप्टर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -2 डायोप्टर। और देखिए, 1/ में कितना हो जाएगा, एफ, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है एफ यानी फोकस दूरी पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ना इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2f क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे होता है, तो यहाँ से -2f = 1 हो जाएगा। देखिए, माइनस, मैं आपको बता रहा हूँ, -2f = 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एफ बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कितना हो जाएगा, और देखिए माइनस है तो हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा -0.5 मीटर हो जाएगा।
तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो 23 नंबर मैंने आपको बताया, अब 24 नंबर के देखते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को अवतल लेंस से देखने पर कैसी दिखाई देगी। किसी वस्तु को अगर अवतल लेंस से देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी, तो देखिए वो सीधी और छोटी दिखाई देगी। किसी वस्तु को अगर अवतल लेंस से हम लोग देखेंगे तो सीधी दिखाई देगी और छोटी दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 25 को अब देखते हैं। तो एक गतिशील पिंड में आवश्यक रूप से क्या नहीं हो सकता। एक गतिशील पिंड है, कोई भी एक वस्तु है जो गतिशील है, मान लेते हैं कोई गतिशील है, लगातार ऐसे ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हो या फिर लगातार इस तरीके से गतिशील है, तो आवश्यक रूप से क्या नहीं हो सकता उसमें। तो देखिए उस गतिशील वस्तु में क्या नहीं हो सकता है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि उस गतिशील वस्तु में स्थितिज ऊर्जा नहीं हो सकती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 को देखते हैं। तो 26 यहाँ पे क्या है, एक सरल दोलक का दोलन काल किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए एक सरल लोलक का जो दोलन काल होता है, मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है कि एक सरल लोलक का दोलन के लिए हम लोग टी इक्वल टू 2π√L/g लिखते हैं, L/g लिखते हैं। तो एक सरल दोलक का दोलन किस किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे फॉर्मूला में कहीं भी द्रव्यमान यानी मास कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, एल लिखा है। एल पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है, बट ये जो हमारा आवर्तकाल टी जो है, ये टी हमारा आवर्तकाल है, ये द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये भी क्वेश्चन पॉलिटेक्निक का फेवरेट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। तो 27 मेरा क्या है यहाँ पे, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। तो देखिए ध्वनि जो तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो 28 देखिए क्या है, 28 है प्रतिध्वनि का क्या कारण है। तो प्रतिध्वनि का क्या कारण है, ध्वनि का परावर्तन। देखिए आप ऐसे जगह में गए होंगे जहाँ पे आप कुछ बोलते होंगे तो वो रिटर्न आता होगा, आपको फिर से सुनाई देता होगा, एक 2 सेकंड में आप वो आवाज़ आपको फिर से रिटर्न सुनाई देता होगा। तो देखिए इसका क्या कारण है, तो इसका एक कारण है, वो क्या कारण है, ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि का कारण क्या है, ध्वनि कहीं से टकरा के वापस आ रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो 29 क्या है, ऊष्मा का एसआई मात्रक यहाँ पे पूछा गया है, पूछ लिया गया। अब ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, कैलोरी। तो ऊष्मा का यहाँ पे ऐसा मात्र कैलोरी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 को लेते हैं। 30 नंबर क्या है, किस ताप पर किसी पदार्थ का ताप सेल्सियस और फारेनहाइट में समान होता है। देखिए ताप को हम लोग अलग अलग यूनिट से मापते हैं, केल्विन से मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, फारेनहाइट में मापते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस ताप पर किसी पदार्थ का ताप सेल्सियस और फारेनहाइट में समान होता है। तो वो ताप क्या है, -40 डिग्री सेल्सियस। वो ताप क्या है, -40 डिग्री सेल्सियस। ये भी पॉलिटेक्निक का एक फेवरेट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31। 31 क्या है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में क्या संरक्षित रहता है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में क्या संरक्षित रहता है, तो देखिए नाभिकीय अभिक्रिया में केवल कुल आवेश संरक्षित रहता है। क्या रहता है, केवल कुल आवेश संरक्षित रहता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 32 को। तो 32 क्या है, 1 एम्पियर धारा का क्या अर्थ है। देखिए 1 एम्पियर धारा का क्या अर्थ है, तो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ। 1 एम्पियर यानी हम लोग देखिए क्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं, IT लिखते हैं, IT क्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं, IT। तो क्यू इक्वल टू अगर IT लिखते हैं, आई क्या है मेरा यहाँ पे, आई है यहाँ पे विद्युत धारा। तो देखिए आई मेरा यहाँ पे क्या है, करंट है। तो क्यू बाई यहाँ से इसी फॉर्मूला से क्यू बाई हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई टी लिख सकते हैं। तो देखिए क्यू यानी आवेश, आवेश का क्या होता है कूलम, और टी मीन्स टाइम, टाइम का क्या होता है सेकेंड। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कूलम पर सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड, 1 एम्पियर धारा का क्या अर्थ है, 1 कूलम पर सेकेंड। यानी अगर 1 कूलम का आवेश किसी तार से 1 सेकेंड के लिए प्रभावित होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर विद्युत धारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को लेते हैं। तो 33 क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए उगते तथा डूबते सूर्य के लाल होने का क्या कारण होता है। उगते तथा डूबते सूर्य के लाल होने का क्या कारण होता है, देखिए जब सनसेट या फिर सनराइज होता है तो उस समय सूर्य कैसा दिखता है, लाल रंग का दिखता है, लाल वर्ण का दिखता है। तो इसका क्या कारण होता है, तो देखिए हमारे वायुमंडल में जो प्रकीर्णन होता है, नीले एवं बैंगनी दोनों रंगों का प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण ऐसा दिखता है। जो हमारा वायुमंडल है इसमें बहुत प्रकार का कण है, तो यहाँ पे जो कण होता है ना वो नीले और बैंगनी रंग के कलर को सबसे ज़्यादा फैला देते हैं, उसको स्केटरिंग कर देते हैं। तो जिसके कारण उगते तथा डूबते सूर्य को सूर्य लाल होने का, लाल हम लोगों को दिखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं। तो 34 क्या है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ से आप थोड़ा सा इग्नोर कर दें, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ से।
तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, यहाँ पे मात्रक लिखा हुआ, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज जरूर कर लें। तो मात्रक, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, तो कार्बन 12 होता है, कार्बन 12। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, कार्बन 12। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, जो फर्स्ट हम लोगों का जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट था वो क्या था, तो वो था स्पुटनिक 1। तो इसको आप जरूर याद कर लें क्योंकि ये भी पॉलिटेक्निक का फेवरेट क्वेश्चन है। प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो वो था स्पुटनिक 1। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 36 को। तो 36 है, यहाँ पे 1 किलोवाट सामर्थ्य का मान अश्वशक्ति के पदों में कितना होगा। तो देखिए 1 किलोवाट जो होता है वो 746 अश्वशक्ति के बराबर होता है, यानी हॉर्स पावर के इक्वल होता है। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं 37 को। तो 37 क्या है, डेसीबल किस राशि का मात्रक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, 2013 में पूछा गया है शायद। तो देखिए डेसीबल किस राशि का मात्रक है, तो ध्वनि प्रबलता का मात्रक है। डेसीबल किस राशि का मात्रक है, तो ये ध्वनि का प्रबलता का मात्रक है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड का ये मात्रक है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब आप क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। तो देखिए 38 क्या है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। जो घर में जो हम लोगों का विद्युत का बल्ब होता है, विद्युत का जो बल्ब होता है जो इस प्रकार से होता है, तो देखिए उसके अंदर पतला सा एक तार रहता है, वो तार किसका होता है, तो देखिए वो तार टंगस्टन का बना होता है। ये भी क्वेश्चन पॉलिटेक्निक का फेवरेट क्वेश्चन है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, देखिए इस बार 2020 में ये क्वेश्चन आएगा, ये बार इस बार जो है ये क्वेश्चन आएगा कि ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। तो देखिए ओम का नियम क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है, आप जानते होंगे इसको। तो ओम का नियम धारा और वोल्टेज, यानी धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। तो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 39 दिखाया, चलिए 40 को देखते हैं। त्वरण का मात्रक यहाँ पे पूछ लिया गया है, त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको बताना यहाँ पे चाहूँगा कि त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाय क्या होता है, टी होता है। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई बार हम लोग इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, एस के पावर में -2, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर देखिए गुरुत्व त्वरण आपसे कभी पूछ लिया जाता है, तो गुरुत्व त्वरण को हम लोग स्मॉल जी बोलते हैं, ये कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको भी आप जरूर याद रख लें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। एक निकट दृष्टि दोष वाले आँख को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए कोई व्यक्ति अगर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसको ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 41 का ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंज का नियम। देखिए ये क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा 2020 में, झारखंड पॉलिटेक्निक पूछा जाएगा, यूपी में पूछा जाएगा, दिल्ली में पूछा जाएगा। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, जो लेंज का नियम होता है ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, ये एनर्जी के संरक्षण पर आधारित है, यानी बेस्ड है। तो 42 का मैंने आपको बताया, अब चलिए देखते हैं 43। तो देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया कि हर्ट्ज का मात्रक क्या है, हर्ट्ज का यहाँ पे मात्रक लिखा हुआ है, आप इसको देख के थोड़ा कन्फ्यूज मत करें। देखिए यहाँ पे लिखा है कि हर्ट्ज का मात्रक क्या है, यहाँ पे लिखा है हर्ट्ज का मात्रक क्या है, का मात्रक क्या है, मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप बिल्कुल सही से एक बार लिख लें, हर्ट्ज का मात्रक क्या है, यानी हर्ट्ज जो है किसका मात्रक है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हर्ट्ज किसका मात्रक होता है, यह आवृत्ति का मात्रक होता है, हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 44। तो 44 में लिखा है कि घरों में जो हम लोग, घरों में जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है उसको हम लोग एसी बोलते हैं, यानी वो होता है क्या, अल्टरनेटिंग करंट होता है। हम लोग जानते हैं कि जो धारा होता है, यानी जो करंट होता है, वो दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है, एक अल्टरनेटिंग करंट होता है, डीसी करंट और अल्टरनेटिंग करंट होता है। देखिए डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट होता है, डीसी और एसी करंट होता है। तो हम लोग जो घर में यूज करते हैं वो प्रत्यावर्ती धारा होता है, और प्रत्यावर्ती धारा का जो आवृत्ति होता है, देखिए ये कई बार पूछ लिया जाता है कई एग्जाम में, तो इसका एसी करंट का जो आवृत्ति होता है वो कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है, और हर्ट्ज किसका इकाई है, मैंने आपको बताया ये आवृत्ति का है। तो चलिए देखते हैं 45 का। तो देखिए एम द्रव्यमान के उपग्रह द्वारा आर त्रिज्या, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप कन्फ्यूज ना करें, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, एम द्रव्यमान के उपग्रह द्वारा आर त्रिज्या, एम द्रव्यमान के उपग्रह द्वारा आर त्रिज्या, देखिए आर के बाद त्रिज्या लिखा हुआ है, आर के बाद क्या लिखा हुआ है, त्रिज्या लिखा है, आर त्रिज्या के
कक्ष में पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में किया गया कार्य कितना होता है। देखिए कोई एम द्रव्यमान का कोई उपग्रह है, देखिए मैं आपको यहाँ पे अच्छा से बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए जो क्वेश्चन आने वाला होता है ना उसमें थोड़ा सा मिस्टेक जरूर रहता है, तो देखिए मेरा यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन को, इसलिए आप मिस इसको ना करें। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एम द्रव्यमान का कोई उपग्रह है, ठीक है, और ये क्या करता है, हमारा जो प्यारा सा पृथ्वी है इस पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये उपग्रह क्या करता है, चक्कर लगाता है इस तरीके से। तो चक्कर अगर लगाता है तो एक चक्कर में ये कितना कार्य करेगा, कोई उपग्रह है जैसे देखिए मान लेते हैं कि ये कोई उपग्रह है, ठीक है, ये कोई उपग्रह है, ये क्या है, कोई उपग्रह है हमारे पृथ्वी का, ये चक्कर लगा रहा है, देखिए यहाँ पे आया फिर यहाँ पे आया, तो एक चक्कर लगाने में वो उसके द्वारा उस उपग्रह के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, तो एक चक्कर लगाने में वो 2 पाई आर mg काम करेगा, यानी 2 पाई आर mg काम उसको करना पड़ेगा एक चक्कर लगाने के लिए। तो देखिए 2 पाई आर क्या होता है, ये हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी गोल है, तो इसका परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। तो देखिए यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो कार्य होता है वो क्या होता है, वो बल गुना क्या होता है, विस्थापन होता है। कार्य क्या होता है, देखिए कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल गुना विस्थापन होता है। तो कितना विस्थापन करेगा वो और कितना बल लगाएगा, तो देखिए कितना बल लगाएगा तो वो mg के बराबर बल लगाएगा। किसके बल, किसके द्वारा, किसका, किसके बराबर बल लगाएगा, वो mg के बराबर बल लगाएगा। और वो कितना उसका डिस्प्लेसमेंट है, तो मैंने आपको बताया कि वो एक पूरा चक्कर काटेगा, तो एक वृत्त का जो परिधि का जो लंबाई होता है उसके बराबर, यानी 2 पाई आर के बराबर। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि कोई भी एक उपग्रह जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर लगाने में उसके द्वारा कितना कार्य होगा, तो 2 पाई आर mg होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो देखिए 1 न्यूटन में कितने कितने डाइन होते हैं, तो 1 लाख डाइन होता है। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 1 लाख डाइन होता है, इसको आप जरूर याद रखें, यह भी पॉलिटेक्निक का फेवरेट क्वेश्चन है। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 1 लाख मीन्स 10^5 डाइन के बराबर होता है, आप इसको भी जरूर याद रखें, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन कितना डाइन के बराबर होता है, तो देखिए 1 लाख डाइन के बराबर होता है 1 न्यूटन बल। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 क्या है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। देखिए पानी का जो डेंसिटी होता है, कई बार आपसे डेंसिटी का भी पूछ लिया जाता है कि डेंसिटी और मास और वॉल्यूम के बीच में क्या संबंध है, तो आप इसको भी याद रखें, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, यानी द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो देखिए किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, आप इसको भी जरूर याद रखें। अब देखते हैं 48 को हम लोग। देखिए वी इक्वल टू एन लैम्डा संबंध किस तरंग के लिए सत्य है। तो देखिए तरंग तो बहुत प्रकार का होता है, आपको मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया था कि वी इक्वल टू जो एन लैम्डा होता है, भी इक्वल टू एन लेमडा जो है यह किस तरंग के लिए सत्य है, तो यह ध्वनि तरंग के लिए सत्य है, ध्वनि तरंग के लिए सत्य है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस जगह में आपको जो नहीं दिख रहा है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्वनि तरंग लिखा हुआ है, वहाँ ध्वनि तरंग लिखा हुआ है, तो आप इसको इग्नोर नहीं करें। तो यहाँ 48 का मैंने आपको आंसर बताया। चलिए देखते हैं 49 क्या है। तो 49 का क्वेश्चन क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती पृथ्वी के लिए क्या नियत रहता है। देखिए जो जो पृथ्वी हमारा है वो यहाँ पे देखिए ये सन है हमारा, सन ये सन है, इस सन का चक्कर लगाता है हमारा पृथ्वी, इस सन का चक्कर लगाता है क्या, हमारा पृथ्वी यानी अर्थ इसका चक्कर लगाता है, तो इसके लिए इस पृथ्वी के लिए क्या नियत रहता है। तो देखिए इसके लिए क्या नियत रहता है, कोणीय संवेग नियत रहता है, यानी एंगुलर जो मूवमेंट होता है, ठीक है, वो मोमेंटम जो होता है एंगुलर मोमेंटम, वो संवेग को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, वो नियत रहता है यानी वो कांस्टेंट रहता है, वो फिक्स रहता है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा, वो है सूर्य ऊर्जा का कौन सा स्रोत है, यानी सूर्य को जो ऊर्जा मिलता है, सूर्य में जो ऊर्जा है या इसका स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है। तो देखिए यहाँ से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिले तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैं आपको 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम जब तक नहीं होता तब तक मैं आपको उससे पहले आपको मैं 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन का सीरीज देने वाला हूँ। तो देखिए जिस प्रकार का वाईफाई स्टडी जो चैनल है या फिर जो दूसरा चैनल होता है, लोगों ने ही उसको ग्रोथ कराया, तो आप अगर मुझे ग्रोथ कराते हैं तो मैं आपको 5000 इस तरह के क्वेश्चन
जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।